सब बड़े अमरीकी पिट्ठू और गुलाम बन गए। इस सप्लाई को फिलफौर बंद होना चाहिए। उन हुक्मरानों को जो अमरीका के गुलाम है उनको इख्तियार से हटा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नेटो सप्लाई की बहाली पर पार्लियामेंट के अंदर एतराजात का सिलसिला है और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का समा है। अंदर इजलास का बॉयकॉट करने वालों की कमी नहीं थी और बाहर धरना देने वालों का लंबा हजूम है। नेटो सप्लाई की बहाली पर इंतखाबात की सियासत करने वाले जबानी मोतरज हैं और इंतखाबी सियासत से दूर या उलझे रहने वाले जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक हैं, मगर यक नुकाती एजेंडा होने के बावजूद भी पार्लियामेंट के अंदर वालों का और लॉन्ग मार्च करने वालों का संगम नहीं हो सका। शायद अपने अपने वजदान की तस्वीर कशी है जो पार्लियामानी सियासत का हिस्सा हैं और आइंदा इंतखाबात में जिन्हें अपने हवाले से बेहतरी की तवक्को है वो हकूमत को तो तिगनी का नाच नचवाना चाहते हैं, मगर खारजी मामलात में अपना नामा-ए-माल जो है वो भारी नहीं करना चाहते, क्योंकि आलमी सतह पर जिंदा रहने के लिए दुनिया के 43 ममालिक से उलझ जाना शायद किसी की दानिश में दूरंदेशी नहीं। और बाहर वालों की तो क्या ही बात है, उनके क्या ही कहने, वो हुकूमत और पार्लियामेंट तो दरकिनार हर आलमी ताकत की भी ईंट से ईंट बजाने पर आमादा हैं। मगर साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के लॉन्ग मार्च और धरने पर गिरा ये लगाई है कि नेटो सप्लाई के खिलाफ इन एहतजाज करने वालों ने माजी करीब में जो है वो इन्हीं कुवतों का साथ दिया था। अब गिलानी साहब को कौन समझाए कि माजी की बातें मुस्तकबिल के लिए हवाला होती हैं, आज का नहीं। आज तो इन्हें और इनकी जमात को जवाब देना है कि जिस जुर्म में वो खुद घिर गए अब इस जुर्म का वजूद खत्म करने के लिए तौहीन अदालत के कानून में नकब क्यों लगाई जा रही है। हर मुश्किल घड़ी में हुकूमत और जमहूरियत का साथ देने की राह निकाल लेने वाले JUIF के रूह रवां जनाब मौलाना फजलुर रहमान के नजदीक दोहरी शहरियत और तौहीन अदालत की तरामीम चंद अफराद को बचाने की कोशिश है। वो फरमाते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को सैबोटाज किया जा रहा है और इस हवाले से उन्हें कुछ दुख चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स पर भी है। इन रिमार्क्स पर अपने तासुफ का इजहार तो खैर हुकूमत ने भी किया है, मगर हुकूमत बलोचिस्तान अमन व अमान केस में दिए जाने वाले चीफ जस्टिस साहब के आज के रिमार्क्स पर किस तरह अफसोस का इजहार करेगी। पीपल्स पार्टी का अब्दी और अजली गिला भी यही है और शिकवा भी कि इसके खिलाफ साजिश की जाती है, मगर अच्छी तर्ज हुक्मरानी से बेजारी पीपल्स पार्टी की अपनी ना एली है, कोताही है, या फिर ये कभी किसी साजिश का ही नतीजा है। एट द एंड ऑफ द डे ये पीपल्स पार्टी के लिए एक दायमी सवाल है जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली जिसका जवाब कभी तसल्ली बख्श हमें मिलता ही नहीं है। और अच्छी तर्ज हुक्मरानी के जिक्र पर पंजाब भी याद आ गया कि जहां कभी नाकिस अदवियात की वजह से मरीजाने दिल जान से जाते हैं तो कभी डॉक्टर फिरौन हो जाते हैं और कभी जहरीली वैक्सीन के हाथों मासूम बच्चे मारे जाते हैं, मगर फिर भी गुड गवर्नेंस का डंडोरा पीटा जाता है। यहाँ ना कभी साहिबान कलम को जलाल आता है, ना किसी नशरकार की आतिश फशानियां नमूदार होती हैं, ना आंधी उठती है और ना जुम्बिश अबरू का जहूर होता है। खैर, इतनी खाना खराबियों और वहशत नाकियों में एक अच्छी खबर जरूर है, द गुड न्यूज ऑफ द डे। सुस्त रो जमहूरी अमल की यह खबर है कि पार्लियामानी कमेटी ने फखरुद्दीन जे इब्राहिम को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुन लिया है कि जिसका दूसरा मतलब यह है कि पुरअमन और जमहूरी अंदाज में इंतकाल इकतदार का एक मरला तय हो गया है। मगर सवाल यह है कि हुकूमत जाते जाते और क्या क्या हशर उठाएगी। ना बलोचिस्तान की आग थमी, पार्लियामान की रुसवाई का इल्जाम भी इसके सर, अदालत से महाजाराई का दाग भी इसके दामन पर। ऑल दिस आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। अमरीका ने माफी भी मांग ली और नेटो सप्लाई रूट्स भी बहाल हो गए। अगले ही दिन शुमाली वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक्स भी हुए, 8 मिसाइल भी फायर किए गए, पाकिस्तानी 24 जो हैं वो शहीद भी हो गए। उसकी माफी नहीं मांगी गई, मगर दिफाए काउंसिल पाकिस्तान ने जिस तरह वादा किया था उन्होंने भी जो है अपना लॉन्ग मार्च जो है शुरू कर दिया है। रावलपिंडी से आगे बढ़ गए हैं और ये कहना है कि अगर हमें रोका गया इस्लामाबाद एंटर करने से तो मिस्र का अल तहरीर स्क्वायर बना देंगे इस्लामाबाद को। इन धमकियों के साथ साथ काफ़ी अफरा तफरी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो रही है। दो बिल जो हैं वो पेश कर दिए गए हैं, तौहीन अदालत तरमीमी बिल भी पेश कर दिया गया है। कहा यह है कि आज 12 बजे तक भी अगर सेशन को एक्सटेंड करना पड़ा तो करेंगे, क्योंकि आज ही इसको मंजूर भी कराना है। सवाल उठते हैं कि मुतलका कायमा कमेटी को क्यों नहीं भेजा गया, इतनी जल्दी क्या है, क्या 12 जुलाई जब
राजा परवेज अशरफ से जवाब तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उनको तहफ्फुज़ फराहम करना ही मकसद है? हमारे साथ अभी मौजूद हैं इसी वाले से बात करने के लिए शौकत बसरा साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, डेप्यूटी अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली, हमारा साथ दे रहे हैं नसीर भुट्टा साहब, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, हमारा साथ दे रहे हैं हाफिज हुसैन अहमद साहब, सेंट्रल लीडर JUIF, और नवाबजादा लश्कर-ए-इस्तानी साहब भी। मैं सबसे पहले शौकत बसरा साहब आप ही की जानिब आती हूँ, बहुत तंकीद की जा रही है आपके ऊपर, एक तो दो अहम खबरें आज की, एक तो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक पहुंच रहा है, आप जितना भी रोकें वो चलता चला जा रहा है हजारों की तादाद में, और साथ ही जो पार्लियामेंट के अंदर अभी बिल्स जो हैं आप लेट्स जस्ट से यू ट्राइंग टू शव इट डाउन द थ्रोट, आपकी ऑपोजिशन ये कह रही है, वॉकआउट भी कर दिया नून लीग ने, कि मुतल्लिका कायमा कमेटी में जाते बहस कराते एक ड्यू प्रोसेस था, इतनी जल्दी क्या है? बस पहली बात तो ये है कि जमहूरियत और आमियत में यही फ़र्क है, अगर वो लॉन्ग मार्च करके आए हैं तो ये उनका हक है, तो मेरे ख्याल में इसको हमें वेलकम करना चाहिए, लेकिन इनके जो कंडक्ट और बिहेवियर और जो तजाजात हैं मैं उनके मुतलिक बात जरूर करना चाहूँगा। ये कहाँ थे जब मुशर्रफ का 10 साल दौर था, उस वक्त भी ये नेटो सप्लाई चल रही थी, 3 साल जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी नेटो सप्लाई चल रही थी, आज ये जितने भी लोग हैं इनमें एक शेख रशीद साहब भी मौजूद हैं, अभी अमेरिका यात्रा करके आए हैं, ये हर आदमी अपना अपना वो जिसे कहते हैं ना कीमत लगवाना, और मुझे पता है ये किस किस के पे रोल पे हैं, और अभी आपने पूछा जनरल हमीद गुल साहब से ये अब किस के पे रोल पे हैं जनाब, हर किसी को पता नहीं, जिसका इल्जाम पे रोल का लगाते हैं वो तो आपके साथ हैं, नेटो को बहाल करने जमात इस्लामी का माजी किससे छुपा हुआ है, वो किसके ज़ियाउल्लाह के साथ किसके पे रोल के रही? का मकसद दूसरी है, बात नहीं नहीं सबको मालूम है, सही है आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, मगर जिसका इल्जाम आप लगा रहे हैं वो तो आपके साथ फैसला करने में थे, देखिए बहाल किया जाए रूट, मेरी गुजारिश सुन लेना। दूसरी बात आपने कही ये कब तक बैठेंगे, ये देख लीजिए 2-3 बजे के बाद ये कहाँ जाते हैं और ये कहाँ इनका वो पड़ाव होता है और किधर किधर ये किन किन जगहों पे चले जाएंगे, ये आपके सामने सारा कुछ होगा। क्यों किधर चले जाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे। देखिए पहली बात तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं खोली, ये पूरा ऑन बोर्ड थी डिफेंस कमेटी जिसमें तमाम फोर्सेज के लोग मौजूद थे, गवर्नमेंट के मौजूद थे, अलाइज मौजूद थे, और फिर हम लोगों ने नेटो सप्लाई जो खोली है उसमें हमने क्या किया है? दोनों बस सब टू द पॉइंट सवाल करते हैं ना, इल्ज़ाम आप पे नेटो बहाल करने के हवाले से भी, और ये बिल्स जो आप जो हैं वो हलक से नीचे शव डाउन कर रहे हैं उसके ऊपर भी इल्ज़ाम यही है कि आप बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं। देखिए तेज़ी बात नहीं है, मैं दोनों बातों का जवाब, देखो ना अगर हम लोगों ने नेटो सप्लाई जो खोली है वो हमने ना तो किसी के कहने पर बंद की थी ना ही किसी के कहने पर हम लोग खोल रहे हैं, ये बाकायदा आपको हमारी कुछ डिमांड्स थी और पूरी जो पार्लियामेंट के अंदर बातें हुई उसके ऊपर उनसे कहा गया कि जब तक वो सॉरी नहीं करेंगे, जब तक वो सलाला चेक पोस्ट पर जो मामला हुआ है और उसमें तमाम लोग ऑन बोर्ड्स थे और ये कोई ऐसा इशू नहीं था, बजाय सिवाय इसके कि ये लोग जो इस वक्त कर रहे हैं भाई, ये तो ये लोग कह रहे थे कि हम लोग उस वक्त, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि 10 साल मुशर्रफ के ये साथ थे ना, हमारे साथ तो नहीं थे उस वक्त, इनको ये नेटो सप्लाई याद नहीं आई, 3 साल हमारे दौर में चलती इनको याद नहीं आई। अब गुजारिश सिर्फ इतनी है कि नेटो सप्लाई हमने जो खोली है उसके अंदर आप ये बताना चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया से कट के रह जाएं, हम भी चाहते हैं अफगानिस्तान से विड्रॉल करें फौजें। अच्छा अगर मुझे इजाजत दीजिए, इधर हाफिज साहब ये मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं कि ये आपके मुंह से मुशर्रफ साहब की बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुशर्रफ की ही पॉलिसीज हैं जो आज तक जो चल रही हैं जिसकी वजह से आज ये लॉन्ग मार्च भी हो रहा है, ये दिन भी देखना पड़ा है आके। मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आज क्या आपकी नज़र में भी पार्लियामानी तारीख का भी और पाकिस्तान की तारीख के लिए भी बहुत स्याह दिन है क्योंकि अपोजिशन के यही नारे रहे हैं आज? बिस्मिल्लाह रहमान जी, के बुनियादी तौर पर हम समझते हैं कि जो इदारों के दरमियान लड़ाई का अंदाज अपनाया गया है, आज दो बातें मैं अर्ज़ करूँगा, पार्लियामेंट की बालादस्ती का तसव्वुर दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट बालादस्त है अदलिया या किसी और इदारों से, अल्लाह करे ये बात सही हो, लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा कि नेटो सप्लाई के हवाले से 5 माह तक पार्लियामेंट ने और फिर उसकी दिफाई कमेटी ने रज़ा रब्बानी साहब की सदारत में जो फैसले किए हैं उनमें एक बुनियादी फैसले का मैं जिक्र करूँगा और वो ये है कि अब तक जितने भी मुआहदे हैं वो सामने लाए जाएँ। मुशर्रफ साहब की बात करते हैं, मुशर्रफ के दौर में कोई मुआहदा रिटर्न में नहीं था और फिर इस पार्लियामानी कमेटी ने और उसके तमाम तर पार्लियामेंट ने ये फैसला दिया है कि कोई जितने भी मुआहदे थे वो आज के बाद ख़त्म है, नंबर एक। और जो आने वाले हैं तहरीरी तौर पे किए, हाँ तहरीरी तौर पे किए जाएंगे, जुबानी कोई मुआहदा नहीं होगा और तहरीरी मुआहदे को पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद। ये खबर मैंने जुमेरात को भी हमने दी थी, एक MOU जो है वो अंडर प्रोसेस है
वो तो नहीं किया जा रहा है। नहीं मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, आपके शायद मकसद ये है कि जब तक सामने ना आया तो बात बात ही नहीं है, बात बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात है। और अगर वो नेटो सप्लाई के ट्रक जो है वो चमन से और अफगानिस्तान पहुंच गए और उसके बाद आप पार्लियामेंट में उसको पेश करेंगे तो पार्लियामेंट की सुपरमेसी कहाँ गई? मेरा सबसे बुनियादी बात यह है कि हुकूमत ये बताए, शौकत बसरा साहब बता दें कि क्या जो मुआयदा हुआ है वो मुआयदे गलती की जहाँ तक माफ़ी की बात है उसमें एक जुमला सॉरी का है और उसमें कहा गया है कि दोनों मुल्कों की जो गलती है वो दोनों इसको एक्नॉलेज करते हैं। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों मुल्कों की गलती का पार्लियामेंट ने बात नहीं की है। पार्लियामेंट ने दो टोक बात की है कि सलालच एक्सपोर्ट्स पे जो हमला हुआ है और जिसमें 24 हमारे नौजवान शहीद हुए हैं उस हवाले से माफ़ी मांगी जाए, सॉरी माफ़ी नहीं होता। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूँगा कि क्या मुआयदा हुआ है? नंबर एक मुआयदा हुआ है, ज़बानी हुआ है नंबर दो, और अगर ज़बानी नहीं हुआ हुआ पुराने मुआयदे को उस असर नौ किया गया है, ये तीनों सूरत जो है वो पार्लियामेंट की खिलाफ वर्जी कहलाती है और तौहीन पार्लियामेंट है। अच्छा। अगर पुराना मुआयदा है तो पार्लियामेंट की कमेटी ने वाजे तौर पर बैठे हुए हैं वाजे तौर पर दो टोक बात की है कि जितने भी आज तक मुआयदे हैं वो ख़त्म, क्योंकि वजारत खारजा से जो मुआयदे मंगवाए थे रिटर्न में कोई बात नहीं थी, वजारत दिफा से पता किया, GHQ से पता किया गया, इस हवाले से कोई मुआयदा नहीं था। दूसरी बात यह कि बिल्कुल मैं कहता हूं कि अगर आप कहते हैं जी 45 ममालिक से हम अलग नहीं होते, मैं कहता हूं बंद क्यों किया था? सही है। अगर आप मुझे इजाजत दीजिए हाफिज साहब, भुट्टा साहब क्या बात है ये जिक्र कर रहे हैं जिस चीज का उसका एक लॉन्ग मार्च बाहर भी हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने कहा कि अभी बहुत एक्टिविटी है एज वी स्पीक, बल्कि MNAs को मिनिस्टर्स को उठने से भी रोका गया है, आज ही लगता है मंजूर करवाया जाएगा। मकसद क्या है अगर इसको नेटो भी रूट्स जो हैं तेजी के अंदर अगर बहाल कराएं बकौल आपकी जमात के, और रूल्स को भी मुअत्तल किया जा रहा है इस बिल को पास कराने के लिए, मकसद क्या है, इतनी जल्दी क्या है? मेहर ये देखें, दो तीन इशू जो है ना आज इकट्ठे हो गए। एक तो ये है कि नेटो के हवाले से, और उसके ऊपर भी अच्छी बड़ी हीटेड डिस्कशन वहाँ पे हुई है, मेहताब अब्बासी साहब ने भी वहाँ पे तकरीर की है, बड़ी ज़ोरदार तरीके से उन्होंने मौका पेश किया कौम का। और दूसरा ये इसकी ड्यूअलिटी के हवाले से, और तीसरा इसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से। तो जहाँ तक नेटो के हवाले से, वो तो अब साहब ने बता दिया है कि इसके पीछे जो तसलसल था वायदों का कि ये भी था कि ये सारे रीओपन किए जाएं, इनकी और जमात को लगता है पार्लियामेंट की बालादस्ती को सैबोटाज किया जा रहा है, सैबोटाज किया जा रहा है। और वो जो तसव्वुर था ना पार्लियामेंट की बालादस्ती का, वो अब तसव्वुर ही रह गया है, उसका कोई अब ये कहते हैं ना तासुर नहीं है, तासुर ख़त्म हो गया है कि पार्लियामेंट जो थी वो बालादस्त थी। और वो खुद किया है इन्होंने, जिस तरह ये हुकूमत कर रहे हैं या जिस तरह ये अंदाज है इनका, अभी देखें ना यहाँ पे बसरा साहब ने अपने एक ही सांस के अंदर 6 दफ़ा मुशर्रफ का नाम लिया। तो मुशर्रफ इनके जो भाई हैं जिनको इन्होंने माशाल्लाह गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, ये पता नहीं कितनी दफ़ा देना चाहते हैं और क्या उनसे मनवाना चाहते हैं, लेकिन एक बात इन्होंने वफा ज़रूर किया उससे कि जो उसकी पॉलिसीज थी मनोअन उसको बिल्कुल लेकर के चल रहे हैं। देखें एक दफ़ा 9/11 का वाक़या हुआ था, आपको याद होगा 9/11 के ऊपर एक टेलीफोनिक कॉल के ऊपर मुशर्रफ साहब लेट गए थे, और आज 8 माह पहले ये बंद करने वाले और कहते हैं जी हमने सलाला का बदला लिया है। देखें ये एक जॉइंट रेजोल्यूशन थी, उसमें दो चीज़ें मशरूत थी, एक तो ये है कि ये माफ़ी मांगे और बला अनक्वालिफाइड माफ़ी मांगे, और ये माफ़ी उल्टा हमारे से मंगवा रहे हैं, और दूसरा ये थे कि ड्रोन अटैक्स को भी खत्म करें, साथ ही अटैच था, दोनों चीजें मशरूत थी, अगली दोनों चीजें काम नहीं दिन कह रहे हैं कि हमारे वक्त का शायद और सबसे अभी इस हॉलनाक ड्रोन अटैक हुआ है। अमेरिका ने गांव शुमाली वजीरत के साथ अमेरिका ने ये भी पूछा कि नवाज शरीफ साहब इस मौके पे कहां, मैं नहीं बोला पहले बोला क्या पॉलिसी नहीं, इस तरह गड़बड़ हो जाएगी, इस तरह गड़बड़ होगी, बारी बारी बात बाहर के दौरों पे भी करूंगा। हां जी बहुत चले बाहर के दौरों, क्योंकि अच्छा बात बारी बारी करें, हां बार बार बारी करें, मैं आपको बातों क्यों, हां हां अच्छा भाई आपको भी देनी, पर इनकी बारी तो नजर नहीं आती। अब ये देखिए मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये तसलसल देखे ना कि क्या हो रहा है, किस तरफ हम जा रहे हैं, कि एक तरफ तो हम साथ ही ये ला रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, और कोर्ट को टूथलेस कर रहे हैं जस्ट एट द मोमेंट कि जब कोर्ट के पास वो केसेस डील हो रहे हैं और जुडिशियल रिव्यू जो है
वो बिल्कुल एक्सरसाइज हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम एक जल्दी से एक ऐसा कानून पास करवाने जा रहे हैं कि जो चाहे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या अदलिया सुपीरियर जुडिशरी ऑर्डर करे, उसको हमने मानना नहीं है, उसको टूथलेस कर देने। और आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है विच इज क्लियरली विद रिगार्ड टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब मुझे बताएं कि आर्टिकल 204 भी हो और उसके बाद कोई उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ ना हो। खुर्शीद जी, मैं बहुत सीनियर कानूनदान है, मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है या अदलिया का काम? इसी के ऊपर बहस करेंगे। बसरा साहब, एक वक्फा ले लूं छोटा सा। खुर्शीद शाह साहब ने भी एक बात की कि वक्त तो वो भी था कि जब चौधरी तमीम जो थी 14th अमेंडमेंट, वो भी 12 मिनट में पास कराई थी मियां साहब ने, तो आज अगर ये अफरा तफरी के अंदर बिल पास हो रहा है तो कौन सी नई बात है? ये सबको जानने की कोशिश करेंगे। गोइंग टू गो ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आज के रिमार्क्स लापता अफराद के हवाले से बलूचिस्तान केस में उन रिमार्क को नफी किया जाए ऑपोजिशन के रिमार्क्स से, चीफ जस्टिस का आज ये कहना था नाजरीन के इंतजामिया किस सिमत काम कर रही है ये बता दिया जाए, और ऑपोजिशन का ये कहना था कि हमारा मौजूदा वजीर आजम बहुत ही कमजोर वजीर आजम है जो अमरीका के दबाव में आ गया। हमारे साथ नवाजा लश्कर इसानी साहब भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, छोड़ गए इसी गिला शिकवे से कि बलूचिस्तान के मसले नहीं सॉल्व हुए, गवर्नेंस को नहीं सही किया गया। रईसानी साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूं, अगर चीफ जस्टिस के और ऑपोजिशन के रिमार्क्स को नथी कर लिया जाए तो क्या सही तस्वीर पेश होती है कि कोई सिम्त नहीं है इस मुल्क में गवर्नेंस की, इंतजामिया भी जो है अपना काम नहीं कर रही और जो वजीर आजम है वो भी एक कमजोर वजीर आजम है? देखिए अर्जी बीबी, इस मुल्क में हुकूमतों के सिम्त हुआ करते हैं, लेकिन आप देखें कुछ जाहिर कुछ खुफिया डील के जरिए आते हैं और जिस डील के जरिए उनको लाया जाता है तो वो उसी एजेंडा पे काम करते हैं। आज का हुकूमत भी ऐसा है और पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान के लोग डील के नतीजे आने वाले हुकूमतों को भुगत रहे हैं। राजा परवेज अशरफ साहब का कारकर्दगी एज ए वजीर आपके सामने रहा है और आज जितना क्राइसिस है एनर्जी का, मेरे ख्याल उसमें बहुत बड़ा हिस्सा राजा साहब का है, तो वो बेचारे खास एजेंडा के तहत लाए गए हैं और वो उसी एजेंडा पे अमल दरामद करेंगे। बलूचिस्तान को लोग भूल गए हैं। चीफ जस्टिस साहब आते हैं, हम उनके राह देख रहे हैं, सैकड़ों गुमशुदा अफराद में से कुछ की लाशें मिल जाती हैं उनके आने के बाद, कुछ जिंदा एक उनको लाया जाता है और पेश करते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि दो चार अफराद बरामद हुए हैं। यकीनन रियासत बलूचिस्तान के हवाले से अपना जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहा है। मैं आज आपके तवसुत से फिर ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, तमाम इदारे जितने जिम्मेदार इदारे हैं जो आइन के दायरे में रह के अपना अपना काम करने का दावा करते हैं, बलूचिस्तान को भूल चुके हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, और क्योंकि आपने असूली तौर के ऊपर मौकफ लिया, स्टैंड लिया, अलैदगी इख्तियार की पीपल्स पार्टी से, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कहते हैं रियासत आज बलूचिस्तान को भूल गई है, रियासत जो है वो आज किसको याद रखे हुए है? मुझे ये बता दीजिए, अपने शहरियों को याद रखे हुए है, हमारी जिंदगी जान और माल का तहफ्फुज कर रहे हैं, चाहे ड्रोन अटैक्स हों, चाहे रूट्स बहाल किए जा रहे हों, चाहे पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर रही हो, या आम आदमी के हक में सब कुछ किया जा रहा है? देखिए अर्जी है कि हम तो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ड्रामों के जद में है। मसलन माजरत के साथ, अब बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैरिस्टर्स बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, यकीनन सिपाही जो सलाला चेक पोस्ट पे जिनको कत्ल किया गया है वो हमारे मुल्क के, हमें अफसोस है, मगर पार्लियामेंट सुप्रीम है और तमाम इदारों के माँ है। परसों पार्लियामेंट के करारदाद को पामाल अमेरिकन ड्रोन अटैक्स ने किया है, लोग नेटो फोर्सेस के उस पर तो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, मगर जिस इदारे ने इस मुल्क के निज़ाम को मुरतब किया है उसका रोज़ाना बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों के ज़रिए बदएहतरामी होती है, उसके एहतराम को पामाल किया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी लोग इसी यानी अदम संजीदगी का शिकार हैं कि वो इस तमाम मामले पर एक बाज़ाब्ता एक गैरतमंद स्टैंड नहीं ले रहे हैं।
तो बलूचिस्तान को भी यकीनन इसी तरीके से भूल गए, लेकिन बलूचिस्तान बाकी पाकिस्तान के मामला से इसलिए अलहदा मैं इसको समझता हूँ कि यहाँ फिर लोग रियासत और इसके इदारों को तस्लीम नहीं करते, वो अलहदगी का बात कर रहे हैं। तो अलहदगी का जहाँ बात है तो पूरे रियासत के तकसीम की बात हो रही है और वो खतरनाक रुख इख्तियार करता जा रहा है। जी अच्छा, आपने इनकी बात सुनी भुट्टा साहब, वो कह रहे हैं कि इधर कोई गैरत का गैरतमंद स्टैंड नहीं लेता, असूली स्टैंड नहीं ले सकता, क्यों इतनी गैरत की किल्लत है इस मुल्क में? देखिए मेयर, ही हैज शोन गैरत की जो बात करता है वो उसको गैरत ब्रिगेड कह दिया जाता है। टोटल डिससेटिस्फैक्शन, देखे ना, एक तो उसका इनका रईसानी का साहब का अलहदा होना पीपल्स पार्टी से, फिर और उसके बाद फिर ये खासतौर पे ये जो मायूसियां हैं ये रिफ्लेक्शन है, ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द एंटायर नेशन। जी इसमें कोई ये नहीं कि वो कोई बड़ी जुदागाना बात कर रहे हैं या बड़ी कोई खबर दे रहे हैं, ये तो दिस इज द टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ द एंटायर नेशन कि किस ये इस वक्त हो क्या रहा है लोगों के साथ, किस तरह लोगों के मायूसियों को इजाफा किया जा रहा है और यहाँ पे फतेह और शादमानी के डोंगरे बरसाए जा रहे हैं और खोल करके लेट करके नील डाउन हो करके अमेरिका के सामने और अंकल साम के सामने अपने आप को सरेंडर करके ये कहा जा रहा है कि जी देखें जी उन्होंने सॉरी कर लिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल उनका अखबार है, अपना अखबार है, जितने अखबार आते हैं उनके एडिटोरियल भी उठा के देख लें, उनके अखबार भी उठा के देख लें, वो कहते हैं जी कहीं पर हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। चूँकि माफ़ी मांगना उनका जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है इस मरहले के ऊपर बनता ही नहीं है उनका, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज दे वांट टू शो अ फिगर टू दी, दे वांट टू अलाउ मी एक मिनट, दे वांट टू अलाउ मी ना, ये कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए, जब आपने ये कोई बात पांव में जाके चाह रहे हैं वो भुट्टा साहब ने जवाब दे लें, आपने कारगिल की जीती हुई जंग, मैं सिर्फ एक बात कहना इसको जवाब दूंगा, कारगिल की जीती हुई जंग इन्होंने जाके क्लिंटन के पांव में हार दी, और क्लिंटन ने किताब लिखी वो हमने तो नहीं लिखी। आप जो आज आपकी जो गैरत ब्रिगेड है वो किधर है आज जो मियां, मैं सुन लेना एक मिनट ठहरे ना जरा, आज कहा है मियां कह रहे हम लोग अपोजिशन है, मियां नवाज शरीफ साहब जर्मनी में जाके है? सुन तो लेना अच्छा, सबर करें, अपोजिशन है, अगर आप यहाँ पर हैं, अगर हमने गलत किया है, इतना गलत किया है, आज अपोजिशन के अंदर जिस तरह है, आज आपका एहतजाज कहां है, आज आपका लॉकआउट किधर है, वॉकआउट किया, सुन तो लेना, कंटेंट ऑफ कोर्ट जो एक्ट तो ये फरमाइश पिटीशन लेके आ रहे हैं, चले जाते हैं उसके ऊपर अपोजिशन ने आज वॉकआउट, तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहां पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, दौरे में आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट तो आपका, सुप्रीम कोर्ट को आप जिस तरह मुस्लिम लीग का रोंदना चाह रहे हैं तो पिटीशन माफी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ये पिटीशन माफिया की सरकार है। इजाजत दीजिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट के बाहर आपको धमकी दी जा रही है, इस्लामाबाद को अल तहरीर स्क्वायर बनाया जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर वो वॉकआउट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? और देखिए मैं गुजारिश सर फाड़ दें नहीं, मैं गुजारिश सिर्फ ये करना चाहता हूँ, इनके दौरे में आ रहे हैं, अच्छा ये हमें जो सबक पढ़ाते हैं कि अमेरिका अमेरिका में, अमेरिका का तो गुलाम सबसे बड़े ये हैं कि आप लोगों ने जाके, वैसे एक मिनट, दिफाई डिफेंस काउंसिल पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया? इनको मैं और कहता हूँ, इन्होंने लॉन्ग मार्च करते हैं, आज इनका लॉन्ग मार्च आज इनका कहाँ पर है? डिफेंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है उनका अपना एक एजेंडा है, अपना उन्होंने प्रोग्राम तय किया है, आपने क्या करना है, अपना उन्होंने एक बात तो आप एक ही कर रहे हैं, हम लोग हाउस के अंदर भी कर रहे हैं, अपोज हम हाउस के बाहर भी कर रहे हैं, आज अगर वो धरना करेंगे, आज मैं आपको भी कह रहा हूँ ये हमारे साथ हैं, ये वो ये मुस्लिम लीग लोग मुस्लिम लीग आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं, हम तो जब और ये देखिए मैं एक बात पे इमरान खान की बात पे दुरुस्त कहता हूँ, अगर आप हमारे साथ हैं तो परेशानी के ये हमारे साथ 18वीं फिर मुझे हमारे साथ हैं, फिर दरमियान में क्यों हमारे साथ हैं, 21वीं भी हमारे साथ हो गई, इनको परेशानी क्या है? अगर अगर हाफिज साहब ये दोनों साथ हैं, अगर ये दोनों साथ हैं तो मुल्क का क्या बनेगा फिर? देखिए जी बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि अगर हम मौजू पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है, वो बुनियादी दो बातें हैं, एक ये है कि क्या जो कानून साजी होगी वो किसके हक में होगी, वो किसके हक में होगी, क्या कानून साजी के बाद आप लोग आपस में आज मुझे मैं बताइए क्या पाकिस्तान के अंदर उनको तो बात करने, एक सिर्फ एक बात, अभी आपने कहा क्या कोई कंटेंप्ट का कानून पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये मैं रिकॉर्ड सर की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि ये बात भुट्टा साहब हैं, 1976 में पहले कानून बना, उसको 1998 में चेंज किया गया, देन 2003 में चेंज किया गया, और लास्ट टाइम परवेज मुशर्रफ ने 2004 के जरिए उसको प्रेसिडेंटल ऑर्डर लेके आया। क्या क्या कोई कानून है, अगर हम लोग ऑर्डिनेंस लेके आए ना,
क्या कोई कानून मौजूद है? अगर आप इजाजत दीजिए एक सेकंड में हाफिज साहब, गिला शायद ये नहीं है, गिला ये किया जा रहा है कि क्या वक्त की जो वक्त का तकाजा है वो यही है कि ये लेजिस्लेशन की जाए, अभी और मसाइल लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया। देखिए मैं अर्ज कर रहा था कि बुनियादी मसला ये है कि ये मामला तो चल रहे हैं, 4.5 साल गुजर गए, अगर कानून नहीं था असम्बली क्या बैठी है, वो कानून साजी करती। यहाँ जो बुनियादी मसला ये है कि क्या ये दोनों चीज़ें एक आइन में तरमीम, आपने 18वीं तरमीम की, पूरे आइन को छान मारा, लेकिन उस वक़्त क्यों ज़रूरत दरपेश नहीं हुई कि आप फौरी तौर पर दोहरी शहरियत के हवाले से बात करें, आइन के आर्टिकल 63D को आप तब्दील करें। अच्छा, उसके बाद कानून साजी तो रोज़ाना होती रही है, लेकिन क्या ज़रूरत दरपेश हुई कि आज रात को ही उसको तय करना है? बुनियादी तौर पर हम ये समझते हैं कि क्या पार्लियामेंट एक फ़र्द वाहिद के लिए, चंद अशख़ास के लिए कानून साजी और आइन में तरमीम करती है, या पूरे मुल्क के हालात और उसके तनाज़ुर में। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और आपको ये भी खबर देते जाएंगे एक वक्फे से पहले कि अभी तौहीन अदालत तरमीमी बिल के अंदर शिकवार मंजूरी जो है उसका आगाज़ हो गया कौमी असम्बली के अंदर। फैसला आप ही ने नेचुरली करना है कि ये किसके हक में है, जिस तरह ये सवाल डाला हाफिज साहब ने कि कुछ चंद अफराद के हक में है या कुछ ताकतवर मगरमच्छों के हक में है या अवाम के हक में है। रशके रईसानी साहब से भी वापस आके पूछेंगे कि लेजिस्लेशन किसके हक में होती है। साथ वो ये भी कहते हैं कि बलूचिस्तान का इशू जो है वो फंड्स से या नौकरियां देने से हल नहीं होगा, किस तरह हल होगा? वी गोना फाइंड आउट आफ्टर ब्रेक। लीजिए, तौहीन अदालत 2012 का बिल भी मंजूर हो गया है नेशनल असेंबली में और साथ ही 21वीं आईनी तरमीम का बिल भी पेश हो गया है। मैं भुट्टा साहब आपसे जानना चाहती हूं कि एहतजाज कर रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं, नारेबाजी चल रही है, आपको पटिशन माफिया भी इनने कहा है, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे इस बिल के खिलाफ या जैसे इन्होंने आपको अभी एक दफा फिर आपको ऑप्शन दिए, रिजाइन कीजिए, इलेक्शन की तरफ चलिए? एक तो आपको बताऊँ कि ये लम्हा फिक्री है जो आज का बिल पास हुआ है विद इन मिनट्स, और ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये एक शख्स को बचाने के लिए, ये राजा परवेज अशरफ को बचाने के लिए, ये कई और राजाओं को बचाने के लिए, और ये कई और हुक्म अदूलियाँ करने के लिए और हुक्म अदूलियों का तसलसल बरकरार रखने के लिए जो इस हुकूमत का वतीर है। और दूसरी बात यह है कि हमने, ये अल्लाह का शुक्र है कि हम इसका हिस्सा नहीं बने, हमने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया है, हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है, अगर इसके ऊपर डिबेट का मौका मिलता तो हम इसके बखिया भी उधेड़ते कि हमने कैसे इसको बताते कि 2003 का जो बिल, जो 2003 का ऑर्डिनेंस है जो सेव हुआ है, जो इस वक्त मौजूद है, वो टूथलेस कर रहे हैं पूरी इस वक्त अदलिया को, ताकि अदलिया जो है वो आगे ना बढ़ सके, वो इम्प्लीमेंट ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह विल टेक सुओ मोटो एक्शन अबाउट दैट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त जुडिशियल रिव्यू का एक इख्तियार मौजूद है और पूरी दुनिया ने उस जुडिशियल रिव्यू के इख्तियार को तस्लीम किया है। ओके, अगर मुझे जाज़िब बसरा साहब, पिछले जुमेरात सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा था कि अभी वो माहौल क्रिएट करने में वक्त दरकार है जिधर हर रियासत का हर सतून जो है अपने हदूद में रह के काम करे, वो माहौल क्रिएट करने में आज ये बिल पास होना या ये मनफी किरदार है, मुस्बत किरदार अदा किया आपकी जमात? मेरे ख्याल में पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और पार्लियामेंट को ये हक हासिल है कि वो कानून साजी करे, और आयन सुप्रीम है, आयन सुप्रीम है, आयन सुप्रीम है, अदालतें सुप्रीम नहीं है, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जहां तक आपने दोनों बातों, नेटो सप्लाई पे चीफ जस्टिस साहब अगर बहुत गलत हुआ या तो सो मोटो नोटिस ले लें या पिटीशन माफिया वाले वहां पे चले जाएं, ये नहीं जाएंगे। दूसरी बात, इनको ड्यूअल नेशनलिटी पे व्हाट डू मीन बाय पिटीशन माफिया, और पिटीशन माफिया आपको वो पब्लिक जब पिटीशन ले पब्लिक जे जब पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप अभी क्यों नहीं जाते, अभी क्यों नहीं जाते आप, नेटो सप्लाई पे क्यों नहीं जा रहे? पिटीशन माफिया ये बात, जजेस बादशाह सलामत नहीं है जी, अच्छा जजेस भी अकाउंटेबल है। और दूसरी बात, ये एक बसरा साहब एक सेकंड, इन्होंने ये कहते हैं हमने ये बिल आज पास करा के साबित कर दिया कि जजेस बादशाह नहीं है, ये कन्फ्रंटेशन नहीं है, तो ये क्या है फिर? देखिए जी, इन्होंने जो फरमाया कि राजा परवेज अशरफ को प्रैक्टिकल कन्फ्रंटेशन है, राजा परवेज अशरफ को काश बचाने के लिए बात होती तो मैं समझता कि पीपल्स पार्टी के वर्कर भी भंगड़ा डालते। असल मसला जरदारी साहब को बचाने का है, मसला जरदारी साहब की ज़ात को बचाने का है स्विस केसों के हवाले से, और फिर यूसुफ रजा गेलानी भी कुर्बानी का बकरा बने और उसके बाद इनको बांध दिया था उस जगह पर। अच्छा, लेकिन आज के फैसले के बाद ये हुआ है कि राजा परवेज अशरफ की कुर्बानी के बजाय
पूरे पार्लियामेंट की कुर्बानी की बात हो रही है। कुर्बानियों का जिक्र हो रहा है। रईसानी साहब आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपने बड़ा गिला शिकवा किया कि बीबी की शहादत के बाद अगर आपकी जमात जो है वो सही सिमत में चल जाती तो पाकिस्तानियों की जिंदगियां तब्दील कर देती। आज ये तोहीन अदालत बिल 2012 भी पास हो गया है और राजों को तहफ्फुज फराहम करने की बात की जा रही है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त इस मौके पे सबसे अहम इशू नेटो और उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, बलूचिस्तान के हालात हैं, इस पे डिबेट होना चाहिए था। आज के बिल कुर्सी बचाओ बिल है और चंद शख्सियात को बचाने का कोशिश किया गया है इसमें। इसमें कतन कोई दिलचस्पी अवाम, इस मुल्क और पार्लियामेंट के बालादस्ती की बात नहीं है। शख्सियात को बचाया और बड़ा अफसोसनाक दिल है पाकिस्तान के पार्लिमानी तारीख का। बहुत बहुत शुक्रिया रईसानी साहब, आज के लिए इतना ही। नेचुरली ये अफसोसनाक दिन है, या सही कानून साजी की है हमारे जो है मुंतखब नुमाइंदगान ने, ये फैसला आवाम ही करेगी। मगर आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आई विल सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह ताला। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।